हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टडी गाइड। दोस्तों, चैनल स्टडी गाइड में फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, पावर ग्रिड ER1 का जो री एग्ज़ाम था उसका पेपर सॉल्व चल रहा है, ठीक है। तो उसमें हम देख लेते हैं, आज का 7 सेशन में ऑलरेडी हम आ चुके हैं। तो प्रीवियस सेशन आपने अगर नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक जो है उसमें लिंक से जाना पड़ेगा, जाने से आपको वो वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं आज 7 सेशन में क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन डिस्कस करने में टाइम लगता है, इसलिए हम सेशन को चाहते हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं किया जाए, ठीक है। ज़्यादा लंबा करेंगे तो क्या होगा भाई, स्टूडेंट तो बोर हो जाएंगे ना। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं करते सेशन को, मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। 15 मिनट से ज़्यादा करोगे तो कोई नहीं देखेगा, ठीक है, और बोर हो जाएगा एक समय स्टूडेंट। तो चलो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच अमोंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि हर एक डिप्लोमा का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस जेना डैड को हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। मतलब वो कैसे होता है वोल्टेज रेगुलेटर, यहाँ पर एक जेना डैड हमने अगर लगा दी तो जेना डैड का फंक्शन क्या होता है, तो वो क्या करता, वो एक्चुअली करता क्या कि ये अगर लोड रेजिस्टेंस है ना, उसका अक्रॉस में ये कांस्टेंट पोटेंशियल बरकरार रखता, ठीक है। ये है जनरेटर का काम, और ये रहा ऑप्शन 4 इसका आंसर। और ये क्वेश्चन रटो या क्या करो आप लोगों को मालूम, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा हर एक डिप्लोमा एग्जाम में आएगा। तो चलो देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एन अल्टरनेटिंग करंट सीरीज मोटर ये कैसा हुआ। देखो, सीरीज मोटर जो होता है तो उसको हम डीसी सीरीज मोटर का बात सुना है, तो डीसी सीरीज मोटर किससे चलता है, डीसी से चलता है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, अल्टरनेट एसी सीरीज मोटर जो होता है, उसको हम और एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है यूनिवर्सल मोटर। तो उस यूनिवर्सल मोटर जो होता है वो एसी एंड डीसी दोनों पे ही चलता है, ठीक है। तो चलो देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या होता है व्हेन द जनरेटर। तो यहां पर जनरेटर कुछ जनरलाइज आइडिया से दिया हुआ है, मतलब एक अल्टरनेटर, ठीक है, हम अल्टरनेटर के बाद में बात करेंगे। सप्लाइज अ लोड इट यूनिटी पावर फैक्टर, एक यूनिटी पावर फैक्टर लोड के लिए अगर सप्लाई करता है तो उसका आर्मेचर रिएक्शन किस तरह का होगा। पहले हम डिफाइन करते हैं इस यूनिटी पावर फैक्टर को। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये रहा हमारा एक्साइटेशन EMF EF, तो हमारा जो आर्मेचर करंट का डायरेक्शन रहेगा वो इस तरफ ही रहेगा। इसको ही यूनिटी पावर फैक्टर किया जाता है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर का डेफिनेशन होता है एक्साइटेशन वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट, मतलब वोल्टेज एंड करंट जो होगा वो क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। और क्या, देखो ये जनरेटर है, जनरेटर का एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, जिस तरह भी रोटेशन होगा, ठीक है, चलो मान लो इस तरफ रोटेशन होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होगा वो दूसरी तरफ काम करेगा, ठीक है। जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो स्पीड होता है, रोटेशन होता है, वो अपोज करता है किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप अपोज करता है रोटेशन को, ठीक है। ये जनरेटर में होता है, प्राइम मूवर टॉर्क मस्ट बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अभी देखो, आर्मेचर रिएक्शन किन दोनों के बीच होता है, एक तो फील्ड फ्लक्स और एक आर्मेचर फ्लक्स। तो फील्ड फ्लक्स जो होगा, पहले आप हम आर्मेचर फ्लक्स को देख लेते हैं, इस तरफ क्या रहेगा आर्मेचर फ्लक्स, और फील्ड फ्लक्स रहेगा इस तरफ। ये रहा आर्मेचर फ्लक्स, ये रहा फील्ड फ्लक्स। तो इन दोनों में इसके बीच इंटरैक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी को कट नहीं कर सकता। तो ये रहा आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन रहेगा EF और IE की तरफ, और फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन रहेगा उसका 90 डिग्री की तरफ, और उसका हम रिजल्टेंट हमको मिलने वाला है कुछ इस तरफ, ठीक है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, डिजिटल पेन से ड्रॉ करना थोड़ा टफ होता है। तो ये रहा हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स। तो एट द टाइम ऑफ आर्मेचर रिएक्शन फॉर द यूनिटी पावर फैक्टर, तो लोड क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होगा, क्या होगा,
क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इन नेचर होगा। इस पिक्चर को आप दो तीन बार ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो घर पे कि इस पिक्चर को दो तीन बार काम ड्रॉ कर सकते हो, और एक लैगिंग और एक लीडिंग के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आ तो सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर ए डीसी वेल्डिंग मोटर जनरेटर सेट व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड। फॉर डीसी वेल्डिंग मोटर जनरेटर सेट व्हिच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर यूज, तो किस तरह का डीसी जनरेटर यूज़ करते हो? देखो ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। देखो आजकल मॉडर्न जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत रटा हुआ क्वेश्चन भी आता है, लेकिन रटा हुआ क्वेश्चन का परसेंटेज बहुत मतलब बहुत घट गया है, ठीक है। आप वो नोट्स पुराना वाला वो सब नहीं चलेगा, नया कंसेप्ट, और आपको क्लियरली आपको कंसेप्ट रहना पड़ेगा हर एक चीज़ में जिसका आपको एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है, नहीं तो एग्जाम छूट जाएगा, ठीक है। और अभी देखो इसके आप बोल सकते हो, देखो इसमें बीटेक भी देंगे, पावर ग्रिड में बीटेक अलाउ है ना, ईयर टू में जो बीटेक तो देंगे, तो उन लोग तो पढ़ के आएंगे, तो आपको उसके साथ कंपटीशन करना है, कैसे आप कंपटीशन करोगे, ठीक है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा। और एक बात, पावर ग्रिड ने नहीं किया लेकिन बहुत सारा कंपिटेटिव एग्जाम ने क्या किया, मतलब बिलो कट ऑफ, जब TCL ने किया है ना, मतलब लोअर कट ऑफ लिमिट डिसाइड कर दिया, तो आप समझ में, आप ये से समझते हो कि हम नहीं पारेंगे तो दूसरा भी नहीं पारेगा, ऐसे मत समझो, ऐसे मत करके मत एग्ज़ाम देने जाओ कि यह क्वेश्चन अगर टफ है तो दूसरे लिए टफ होगा। अगर आपका लोअर कट ऑफ से भी कम घट जाएगा ना, बस एग्ज़ाम गया आपका हाथ से, तो वो दिखा देगा कि आप पढ़ के नहीं आते हो, तो वैसा मत करो कि आप दिखा दो नहीं हम पढ़ के आए हैं, हम प्रैक्टिस करके आए हैं खूब से, और हमें नौकरी पाना है। देखो गवर्नमेंट जॉब्स अगर पाना है आपको तो हमारा वीडियो यानी कि हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम जो बात सुनते हैं बोलते हैं वो सुनना है आपको, आधा आधा नहीं, पूरा पूरा सुनना है, एक एक पर्टिकुलर एरिया सुनना है आपको, ठीक है। तो डिफरेंशियल हम क्यों यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड थोड़ा बहुत बता दें, इसका एक सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी होता है, एक सेल्फ रिलीविंग मतलब इसको बार बार से शॉर्ट करते हो ना, अगर आर्क वेल्डिंग में यूज़ करोगे तो बार बार से शॉर्ट करोगे, तो बार बार से शॉर्ट करोगे तो क्या होगा, बार बार से शॉर्ट करोगे तो क्या हो सकता है, शॉर्ट करने से क्या होता है, शॉर्ट करने से बहुत हाई करंट जाता है, लेकिन वो हाई करंट क्या करता है ना, आर्मेचर IAR ड्रॉप से इसको खींच देता है, ठीक है, इसके लो वोल्टेज में खींच देता है, मतलब इसको बार बार अगर आप शॉर्ट करते हो तो बार बार ये रिटर्न करता है, ठीक है, और खुद को ये बचा लेता है, ठीक है, कोई शॉर्ट सर्किट करंट से ये खुद को बचा लेता है, इसको कहते हैं सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी। और ये सेल्फ रिलीविंग प्रॉपर्टी जो है ना वो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर पे ही है, इसलिए इसको हम आर्क वेल्डिंग जनरेटर में यूज़ करते हैं। और इसको याद रखना अच्छी तरह से, ये क्वेश्चन भी हर एक डिप्लोमा का सेट में आता है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आया है, मैंने ये क्वेश्चन देखा, तो एक मेरा एडवाइस है, सुन लो, एडवाइस है कि ये क्वेश्चन देख के ही छोड़ दो, देख के ही छोड़ दो। आप बोलोगे क्यों छोड़ दो, मुझे एक नंबर नहीं, इसको करने में आपको 5-7 मिनट तो टाइम लग जाएगा, उसमें आप और 10 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ दो, मेरा मानो ये क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। इसमें क्या करना है एक बार देख ले, ठीक है, बहुत बहुत लंबी, देखो ये है रहा GS, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर फंक्शन GS, ठीक है, तो GS का वैल्यू कितना है, 2s⁵5, हम s को मल्टीप्लाई कर दे, 2s⁵5 प्लस 3s⁴ प्लस 2s³ प्लस 3s² प्लस 2s, ठीक है, तो GS का वैल्यू कितना रहेगा, 2s⁵5 प्लस 3s⁴ प्लस 2s³ प्लस 3s² प्लस 2s, ठीक है, ये रहा GS। और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, 1+GS HS=0, ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपका, तो HS कितना है, फीडबैक है, यूनिटी फीडबैक है, तो 1+GS HS=0 अगर कर दो तो फाइनल जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, ये हम लिख देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, तो वो आता है 2s⁵5 प्लस 3s⁴ प्लस 2s³ प्लस 3s² प्लस 2s प्लस 1,
ये आएगा वन प्लस जी एस एच एस इक्वल्स टू जीरो। लेकिन इसको अगर राउत एरे से करना है, किसके किससे करना है, राउत एरे से करना है। राउत एरे से अगर करोगे, फिर सुन लो, राउत एरे से करोगे तो थर्ड कलम मतलब थर्ड रो, कलम नहीं थर्ड रो, थर्ड रो मतलब एस क्यूब का रो पे एक जीरो आएगा। तो जीरो से हम राउत एरे को डिसाइड नहीं कर सकते ना, जीरो से हम राउत एरे को डिसाइड नहीं कर सकते। आप अगर इसको राउत एरे करो तो एक थर्ड कलम में जीरो आएगा। तो कैसे करना है टोटल डिटेल्स हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन क्या करना है आपको, उस जीरो आने से आपको क्या करना है, एस प्लस वन से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको एस प्लस वन से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये मतलब मैं तो कहूँगा एक बेटेक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, डिप्लोमा लेवल का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आजकल तो आता है, ठीक है। ए वन, तो ये रहा हमारा हमारा पहला इक्वेशन। तो उस इक्वेशन में अगर ज़ीरो आता है, उस इक्वेशन के लिए अगर ज़ीरो हमको आता है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस प्लस वन से हमको करना पड़ेगा, एस प्लस वन से हमको करना है। तो चलो इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं, ओके। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, एस प्लस वन और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एस प्लस वन और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो करने से जो इक्वेशन आएगा मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है। मैंने पहले ही बता क्या दिया आपको, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पे छोड़ना है, ठीक है, बस छोड़ना है, बस जॉब पाने के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा जॉब पाने के लिए। ये रहा फाइनल इक्वेशन एस प्लस वन से मल्टीप्लाई करके। तो इस क्वेश्चन से आपको राउत एरे बनाना है। तो मैं यहाँ पर राउत एरे जो आएगा उसका कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आपको घर पे क्या है करना है, सिर्फ राउत एरे को चेक करना है मेरे साथ, क्या सेम आया क्या सेम नहीं आया, ठीक है। बाद में हमको एस टू दी पावर जीरो, चलो एस टू दी पावर सिक्स में क्या आएगा, टू फाइव फाइव वन, ठीक है। एस टू दी पावर फाइव के क्या आएगा, फाइव फाइव थ्री। इसमें कितना आएगा एस टू दी पावर फोर पे, थ्री नाइनटीन बाई फाइव चेक करना है आपको, माइनस वन बाई फाइव, ठीक है। एस टू दी पावर क्यूब के क्या आएगा, माइनस फोर बाई थ्री, ओके टेन बाई थ्री, प्लस टेन बाई थ्री। एस स्क्वायर पे क्या आएगा, वन वन थ्री बाई टेन, और इसके बाद क्या आएगा, फोर बाई फिफ्टीन, ठीक है। देखो इसके बाद मैंने नहीं किया, एग्जाम में अगर होता तो मैं भी नहीं करता, क्यों, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आएगा, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव माइनस और माइनस नेगेटिव मतलब वो पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर जो साइन आएगा वो पॉजिटिव होगा, बस इसको नहीं करना है आपको, नहीं करना है, ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, राउत एरे से इसको करना है। तो राउत एरे क्या बताता है हमको, देखो राउत एरे बताता है फर्स्ट कलम को चेक करो, ये रहा हमारा फर्स्ट कलम। तो फर्स्ट कलम में मैंने देखा थ्री से एक बार माइनस हुआ और माइनस से एक बार प्लस हुआ, ठीक है। तो दो साइन चेंज कितना है, तो हमें फर्स्ट कलम पे साइन चेंज कितना है, साइन चेंज दो बार है, टू टाइम्स। तो टोटल पोल कितना है, टोटल पोल है सिक्स पोल, ठीक है। साइन चेंज कितना है, टू टाइम्स है। अगर साइन चेंज टू टाइम्स होता है, ठीक है, अगर साइन चेंज टू टाइम्स होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि राइट हैंड पोल, साइन चेंज टू टाइम्स होता है तो राइट हैंड पोल जो होगा, वो टू होगा, और लेफ्ट हाफ पोल कितना होगा, लेफ्ट हाफ पोल जो होगा वो सिक्स माइनस टू यानी कि फोर होगा, ठीक है। अच्छी तरह मेरी बात सुन लो, आपको किसी भी राउत एरे दे सकता है, ये राउत एरे आएगा, ये तो नहीं हो सकता, कुछ भी एक राउत एरे आ सकता है, ठीक है, कुछ भी एक राउत एरे आ सकता है। तो उस राउत एरे आने से क्या होगा, सुन लो, टोटल पोल सिक्स, किस कैसे मुझे मालूम पड़ा, देखो हाईएस्ट पावर कितना है सिक्स, मतलब टोटल छः रूट रहेगा, मतलब पोल सिक्स का मतलब कितना होता है, पोल सिक्स का मतलब कितना होता है,
पोल सिक्स का मतलब होता है कि देखो रूट सिक्स, ठीक है, पोल सिक्स का मतलब है रूट सिक्स, और साइन चेंज कितना है टू टाइम्स, तो राइट हैंड साल में राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे टू पोल रहेगा, ठीक है, और बाकी जो पोल रहेगा वो लेफ्ट हाफ पे रहेगा, वो लेफ्ट हाफ पे रहेगा, ठीक है, ये रहा कंक्लूशन, ठीक है, रहा उतर से ये रहा कंक्लूशन। तो यहाँ पर जो बोला है सिस्टम, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सिस्टम इज अनस्टेबल, पहले तो साइन चेंज हुआ है, साइन चेंज हुआ है कि इसका मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो गया, चलो ऑप्शन वन और थ्री आंसर आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड पोल में कितना है वो आपको कैसे डिसाइड करोगे कि साइन चेंज कितना टाइम्स है, साइन चेंज कितना टाइम्स है टू टाइम्स, तो साइन चेंज अगर टू टाइम्स होता है तो राइट हैंड पोल टू टाइम टू होगा, अगर साइन चेंज थ्री टाइम्स होता तो हम क्या करते, तो हम क्या बोलते, हम थ्री टाइम्स बोलते, थ्री राइट हैंड ऑप्शन थ्री तभी आंसर होता, लेकिन सिस्टम अनस्टेबल तो ऑप्शन वन रहेगा आंसर। देखो ये क्वेश्चन छोड़ना है आपको, एग्जाम हॉल में टाइम इतना वेस्ट नहीं करना है, मेरा पास टाइम है आपको, आपको सॉल्व करके दिखाना है इसलिए मैंने दिखा दिया, लेकिन आप लोगों को ये एग्जाम में नहीं करना है, आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ना है और बाकी सारा उस समय में बाकी सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पावर ग्रिड एग्जाम फॉर द 14th ऑफ नवंबर।